AIFF ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फिक्चर्स अनाउंस कर चुकी है। 2018 में इंडियन फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में केनिया को हराकर फाइनल जीता था और इंडिया 7 जुलाई 2019 को तजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी, जबकि ये टूर्नामेंट एका अरीना अहमदाबाद में होगा और इस टूर्नामेंट में टोटल 4 टीम खेलेगी और वो 4 टीम कुछ इस प्रकार है, इंडिया, DPR, कोरिया, सीरिया और तजाकिस्तान। दोस्तों ये टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट पर बेस्ड है। स्टेज की टॉप 2 टीम ही फाइनल खेलेगी। फीफा के लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से सीरिया की रैंक है 83, तजाकिस्तान 120, DPR कोरिया 121 और इंडिया 101 पोजीशन पर है। ब्लू टाइगर्स ने केन्या को हराकर लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट जीता था। वहीं सुनील छेत्री प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और अन्य 2 टीम न्यूजीलैंड और चाइनीज ताइपे थी। इगोर स्टेमिक जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के न्यू हेड कोच है, उनके अंडर में इंडियन फुटबॉल टीम ने अपना पहला टूर्नामेंट किंग्स कप खेला, जहां पर कुरियोको ने इंडिया को 3-1 से हराया और वहीं इंडिया ने थाईलैंड को 1-0 से हराकर इस टूर्नामेंट में 3rd प्लेस हासिल की। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2019 के फिक्चर्स कुछ इस प्रकार हैं। 7th ऑफ जुलाई इंडिया वर्सेस तजाकिस्तान, 8th ऑफ जुलाई सीरिया वर्सेस DPR कोरिया, 10th ऑफ जुलाई तजाकिस्तान वर्सेस सीरिया, 13th ऑफ जुलाई इंडिया वर्सेस DPR कोरिया, 15th ऑफ जुलाई DPR कोरिया वर्सेस तजाकिस्तान और 16th ऑफ जुलाई इंडिया वर्सेस सीरिया। वहीं इस टूर्नामेंट का फाइनल 18th ऑफ जुलाई को खेला जाएगा।